सत्ता में लौटी मोदी सरकार तो ये होगा एजेंडा। यदि मोदी सरकार अगले साल लोकसभा चुनाव के बाद फिर सत्ता में लौटी तो 2022 तक कई अहम उपलब्धियों को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले 5 साल में आर्थिक विकास दर औसतन 8% रखने की बात कही गई है। हर घर को पक्का मकान, पानी कनेक्शन, शौचालय और 24x7 बिजली आपूर्ति, कुल कार्यबल के मौजूदा कुशल श्रम को 5.4% से बढ़ाकर 15% करना, जलमार्ग के जरिए माल ढुलाई को दोगुना तक बढ़ाना, नेशनल हाईवे की कुल लंबाई को दोगुना करना और भारतीय रेलवे के लिए अलग रेगुलेटर की व्यवस्था, ये कुछ ऐसे कदम हैं जो सरकार 5 साल में 15 अगस्त 2022 तक पूरा करना चाहती है, जब देश आजादी के 75वें वर्ष का जश्न मना रहा होगा। यदि मोदी सरकार अगले साल लोकसभा चुनाव में जीतकर दोबारा सत्ता में आती है तो इन लक्ष्यों को हासिल करना उसका मुख्य एजेंडा होगा। एक स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया 75 नाम से ब्लूप्रिंट को नीति आयोग ने किया तैयार। 2 हर परिवार को 24 घंटे बिजली, पानी और शौचालय के साथ पक्का घर देने का लक्ष्य। 3 8% की दर से 2022 से 23 तक $4 trillion की होगी भारतीय अर्थव्यवस्था। 4 श्रम सुधारों को पूरा करने, महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़ाने का दिया सुझाव।